Viewer, in this video I will show you how to create school leaving certificate designed like this one in Microsoft Word 2019. तो आइए स्टार्ट लेते हैं. गो टू फाइल, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट. नाउ गो टू लेआउट टैब, सेलेक्ट मार्जिन. दिस विल बी नैरो मार्जिन. फिर इसके बाद इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं. यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी रेक्टेंगल शेप में क्रिएट करना चाहता हूँ. फ्रॉम द फॉर्मेट टैब यहाँ से मैं हाइट एंड वेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ. हाइट विल बी 1.5, वेट विल बी 8.5. इसको आप अलाइन करें प्रॉपरली इन द मिडल ऑफ द पेज. शेप फिल से यहाँ से कलर आप सेलेक्ट करें. शेप फिल, शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन. फिर इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ. यहाँ पर आप इंक्लूड करें स्कूल नेम और कॉलेज नेम, जो भी आप यहाँ पर टाइप करना चाहें. फिर इसके बाद सेशन टाइप करें कि ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कौन से सेशन का है. फिर इसके बाद टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें फ्रॉम द होम टैब. यहाँ से फॉन्ट साइज़ आप चेंज करें, दिस विल बी 22, और स्टाइल आप चेंज करें बोल्ड. इसके अलावा अगर फॉन्ट चेंज करना चाहें वो भी आप चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट लाइन ये फॉन्ट साइज़ आप चेंज करें. दोनों लाइनों को आप सेलेक्ट करें फ्रॉम द लेआउट टैब. यहाँ पर मैं स्पेस चेंज करना चाहता हूँ, दिस विल बी द स्पेसिंग आफ्टर, और ये आप सेलेक्ट करें 0. फिर इसके बाद इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं, एक और रेक्टेंगल शेप आप ड्रा करें. इस रेक्टेंगल शेप का हाइट चेंज करता हूँ मैं यहाँ से 0.38, और वेट भी आप चेंज कर सकते हैं. रिलेटेड वेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, दिस विल बी 2.38. इसके अलावा इसका शेप फिल कलर आप चेंज करें फ्रॉम द फॉर्मेट टैब, और शेप आउटलाइन आप सेलेक्ट करें नो आउटलाइन. राइट क्लिक करें, टेक्स्ट ऐड करें. यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मेन हेडिंग ऑफ दिस सर्टिफिकेट. होम टैब से यहाँ से फॉन्ट साइज आप इंक्रीज करें. अगेन इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रा करें. यहाँ पर मैं लेबल और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करूँगा. यहाँ पर मैं डिटेल एंटर करूँगा. तो इस टेक्स्ट बॉक्स का हाइट आप चेंज करें, दिस विल बी 0.25, वेट विल बी 0.5 और 0.6 आप सेलेक्ट करें. दिस विल बी 1.15, इसको मैं चेंज करूँगा बाद में. सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ. फ्रॉम द शेप फिल इसका कलर मैं चेंज करता हूँ. इस लेवल में मैं टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूं, तो यहां पर आप राइट कर सकते हैं एड टेक्स्ट. मेंशन करें फर्स्ट वन ए लेबल, दिस विल बी रोल नंबर, और सेकंड वन लेबल को मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं, इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूं, दिस विल बी 1.15. बाई यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ. बाई होल्डिंग कंट्रोल की इसके एक कापी में लूँगा टू द राइट साइड ऑफ द पेज. अगेन थर्ड वन कापी आप ले लें और इसको आप रीसाइज करें, रीअरेंज करें. और सेकेंड वन में मैं टाइप करूँगा आईडी नंबर, और थर्ड वन में एडमिशन डेट आप मैंशन कर सकते हैं. इस ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करने के लिए, प्रॉपर तरतीब देने के लिए मैंने ग्रिड लाइन विजिबल किए फ्रॉम द व्यू टिप. और फिर इसके बाद लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स ये मैं रीअरेंज करना चाहता हूँ, प्रॉपरली इसको अरेंज करना चाहता हूँ. थर्ड वन टेक्स्ट बॉक्स और लेबल को मैंने सेलेक्ट किया बाय होल्डिंग कंट्रोल की, इसको मैंने पेस्ट किया. इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाय होल्डिंग कंट्रोल की एंड माउस लेफ्ट बटन. दोनों टेक्स्ट बॉक्स, दोनों लेबल को आप रीनेम करें, फर्स्ट स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम. अगेन इसको आप कॉपी करें. बाय यूजिंग एरो की टू प्रॉपरली अरेंज दीज ऑब्जेक्ट्स. इस लेबल को आप रीनेम करें फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स. इस लेवल को या रेक्टेंगल शेप को मैं कॉपी करना चाहता हूं. फिर इसके बाद इसको मैंने रीसाइज किया
और यहाँ पर टेक्स्ट मैं चेंज करना चाहता हूँ, दिस विल बी स्टूडेंट डिटेल। और अगेन टेक्स्ट बॉक्स या लेबल को ड्रा करने के लिए मैंने हेल्प ले लिया फ्रॉम दीज टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल। इसको मैंने कॉपी किया बाय होल्डिंग कंट्रोल की एंड द माउस लेफ्ट बटन्स। और इसको मैं रीनेम करता हूँ, इस लेबल को मैं रीनेम करता हूँ फॉर द जेंडर। नेक्स्ट वन लेबल को मैं रीनेम करता हूँ फॉर द रिलीजन। इस टेक्स्ट बॉक्स को और लेबल को आप रिसाइज करें। सिमिलरली द थर्ड वन, दिस विल बी द नेशनैलिटी। बाय यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल, इन ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की, इसको आप कॉपी करें। नाउ बाय यूजिंग द एरो की ऑफ द कीबोर्ड, इसको आप प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन के थ्रू आप हर एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। इस लेवल को आप रीनेम करें फॉर द फाइल नंबर। नेक्स्ट विल बी SLC नंबर एंड द थर्ड वन, दिस विल बी द फादर ऑक्यूपेशन। थर्ड वन टेक्स्ट बॉक्स और लेबल को आप कॉपी करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की एंड द माउस लेफ्ट बटन। बाय यूजिंग एरो की इसको आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं। इसको अगर आप रिसाइज करना चाहें फ्रॉम द फॉर्मेट टेप, इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। वेट तो आप चेंज करें, दिस विल बी 2.63। लेबल को आप रीनेम करें, दिस विल बी द एडमिटेड इन क्लास। यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में एडमिटेड इन क्लास ये मेंशन होगा। नेक्स्ट वन लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स ये आप कॉपी करें और इसको आप रिसाइज करें। नेक्स्ट लेवल को आप रीनेम करें फॉर द प्रेजेंट क्लास। अगेन इसको आप कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं लास्ट ईयर इन द स्कूल। बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर बाय होल्डिंग कंट्रोल की एंड द माउस लेफ्ट की आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस लेवल में आप मेंशन कर सकते हैं रिजल्ट एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। इस लेवल को आप रिसाइज करें। सिमिलरली फॉर द टेक्स्ट बॉक्स, इस लेवल को अगेन आप कॉपी करें और यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं रिजल्ट डिटेल। बाय यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल, लेवल्स और टेक्स्ट बॉक्स को आप कॉपी करें और इसको आप रीनेम करें। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं रिजल्ट डिटेल। फॉर एग्जांपल इस लेवल को मैं रीनेम करता हूँ फॉर रिजल्ट। नेक्स्ट वन विल बी प्रमोट टू क्लास और लास्ट वन ये आप रीनेम कर सकते हैं फॉर द करेक्टर। अगेन इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स और लेबल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की एंड माउस लेफ्ट बटन। और इसको आप रिसाइज करें, रीनेम करें फॉर द एकेडमिक ईयर। दोनों को आप सेलेक्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं डेट ऑफ विथड्रॉल। अगेन इस लेवल को आप कॉपी करें और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अदर डिटेल्स। स्टूडेंट के रिमेनिंग डिटेल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं अगर आप मेंशन करना चाहें। फिर इसके बाद ग्रिड लाइन आप इनविजिबल करें। एट द लास्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं चेक बॉय एंड डेटेड। राइट साइड पे आप मेंशन कर सकते हैं साइन एंड स्टैम्प ऑफ द प्रिंसिपल। तो व्यूअर, इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट SLC फॉर एनी स्कूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।